नमस्कार दोस्तों, आज हम हैं फर्रुखाबाद शहर में और आपको बताएंगे हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में, जो कुछ लोग जानते भी होंगे, देखा भी होगा और कुछ लोगों ने यहाँ पे आए होंगे, निकल गए होंगे, लेकिन कभी जानने की कोशिश नहीं की होगी कि ये क्या चीज़ है, क्या बना हुआ है, कितने साल पुराना है, कौन सा प्लेस है, किसने बनवाया था और कहाँ पर स्थित है ये। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ अंकल जी हैं मौजूद में, तो वो आपको बताएंगे यहाँ के बारे में कुछ थोड़ा बहुत कि ये क्या मकबरा है या किसने बनवाया था, कैसा क्या है। तो अंकल जी जानकारी दे देंगे कुछ। ये मकबरा नवाब बंगश खां का है जी। कितना साल पुराना है लगभग? लगभग कम से कम 400 से ऊपर है। अच्छा अच्छा, साल पुराना है। ठीक है, जैसा कि आप समझ रहे होंगे 400 साल पुराना, और मेरे ख्याल से शायद यहाँ पे फर्रुखाबाद की जनता 80% लोग नहीं जानते होंगे कि लगभग ये कितना साल पुराना और क्या है यहाँ पे। तो ये अंकल जी ने आज मुझे बताया, मुझे भी नहीं पता था इससे पहले कि ये लगभग 400 साल पुराना मकबरा बना हुआ है यहाँ पे। और किसने बनवाया था अंकल जी? ये नवाब बंगश खां का है। बंगश खां ने ही बनवाया था। अच्छा अच्छा अच्छा, वो यहाँ के सूबेदार बना के भेजे गए थे जी, फर्रुख शेख नवाब ने उनको यहाँ भेजा था पूरे शहर के लिए, देखभाल के लिए जी। अच्छा, ये आप लोग देख रहे होंगे तस्वीरों में, आपने देखा भी होगा इससे पहले। क्या होता है, कुछ हिस्टोरिकल प्लेस होते हैं जिनके बारे में गवर्नमेंट को या बहुत से पुरातत्ववेत्ता जो होते हैं उनको जानकारी नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से ये देखो काफ़ी जर्जर हो चुका है। और उसके बाद में शायद गवर्नमेंट ने यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत काम भी करवाया है, लेकिन शायद अगर ये कुछ समय पहले हुआ होता तो और भी अच्छा नज़ारा दिख रहा होता यहाँ पे, क्योंकि आप सामने से देखेंगे तो ये छत जो है आधे से ज़्यादा टूट गई है, जर्जर हो चुकी है। अब इसको रोकने का थोड़ा बहुत प्रयास किया गया है। ठीक है, मैं आगे अंकल जी से एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि ये जो मकबरा बनवाया था और इसके अलावा भी कहीं और कुछ बना हुआ है ऐसा ही कुछ प्लेस यहाँ पे फर्रुखाबाद में, या यही एक उनके देन है? महल थे इनके, लेकिन जी वो भी सब जर्जर हो चुके हैं। अच्छा, एक नवाब बीवी साहब मस्जिद तल्ला है, वहाँ महल था। अच्छा, और इधर असगर रोड पे एक था महल उनका, नवाब बन्ने साहब का और नवाब बन्ने साहब का, दो दो महल थे। दो महल थे सर, लगता है नहीं लुंजी गंज के जो गेट बने हैं, और ये मकबरा समकालीन लग रहे हैं। समकालीन ही है, समकालीन भी इमारतें उसका वो भी कई आई की बनी हुई है, उसी टाइम की बनी हुई है। वो जो दरवाजे हैं, जो उस शहर के चार दरवाजे थे जो शहर को पूरा बंद करने के, फर्रुखाबाद के, फर्रुखाबाद जसमई दरवाजा, ये जसमई दरवाजा, लाल दरवाजा, अंगूरी बाग था वो भी एक लाल दरवाजा था, ऐसे करके ये सब गंगा दरवाजे, गंगा दरवाजा, ये सब कादरी गेट, कादरी गेट था, जो सब दरवाजे थे शहर को बंद करने के लिए। और जो बिल्कुल शहर में जो एंट्री ना कर पाए वो दरवाजे से लाल दरवाजे शुरू होती थी, इधर इधर जो चौक था दो दरवाजे ये बंद, लाल खाना बनी थी, फिर कोई अंदर नहीं आता, सुबह आता था उस टाइम जब खोला जाता। तो अंकल जी आपको क्या यहाँ पे लगता है कि गवर्नमेंट को और भी इससे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जिससे कि ये देख रहे हैं आप काई सी जम गई है और यहाँ पे प्लेस बिल्कुल बेकार होता जा रहा है, एक टूटता सा जा रहा है। इतना मेरे ख्याल से गवर्नमेंट पैसा भी आता होगा इसका, अब तो स्टार्ट हो गया होगा क्योंकि ये पुरातत्ववेत्ता है। एक शख्स जो है जी, उनकी ड्यूटी लगा दी गई है, 15,000 रुपये उनको तनख्वाह मिलती है सरकार की तरफ से। अच्छा, वो सेफ्टी के लिए? हाँ, अच्छा, इसलिए करते हैं कि यहाँ कोई भी, अब पहले यहाँ सब इसमें किए जी, गाय वो जी भैंस सब कुछ होता था, जब से इसकी देखभाल हुई है, जो पैसा आया गवर्नमेंट ने दिया जी, यहाँ सब पूरी एक महोत्सव मनाया गया इसका, फर्रुखाबाद का फर्रुखाबाद महोत्सव, उसमें जो सब हुआ था, जब सबने देखा जी तो सबने कहा कि भाई ये तो भाई इसको होना चाहिए, क्योंकि फर्रुखाबाद के यही थे जिन्होंने बताया था, और इनका ये मकबरे का ये आलम है कि यहाँ गोबर भी छुपा है, और इसमें किए दिन भर, तब से यहाँ पैसा आया, ये मरम्मत हुई, गवर्नमेंट एक्शन तो में आई। मुझे मेरे हिसाब से अंकल जी यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ होना चाहिए, जैसे कुछ कहीं पे देखते हैं कि आप मेले का प्रबंध करते हैं, गवर्नमेंट करती है, यहाँ पे कुछ ऐसा हिस्टोरिकल मतलब जो है इनके उनके जन्मदिन पे या कुछ ऐसा कुछ करना चाहिए, प्रोग्राम करना चाहिए। उनके जन्मदिन पे ही मनाया जाता होता है प्रोग्राम, तो यहाँ पे होता है क्या? तो उसको और बड़ा करना चाहिए मेरे हिसाब से, जिससे कि जो फर्रुखाबाद की जनता, मुझे लगता है कि फर्रुखाबाद की जनता नहीं जानती होगी कि ये कब ये प्रोग्राम होता है। तमाम लोग रोड से निकल के देखते हैं, कहते हैं क्या बना है, क्या जिन्हें मालूम है उन्हें मालूम है, क्योंकि मैं असल में मेरी शादी जहाँ हुई है जी, मेरी मिसिज यहाँ हैं जी, वो उन्हीं के खानदानी हैं सब जी। अच्छा, तो मेरे पास सब शेजरा भी है उनके ससुराल में सब, और उनके पास ये आराजगी उसमें सब लिखी है आज भी,
कि इस मकबरे की आराजगी कितनी है, तमाम कब्जा होती रही। अच्छा, चारों तरफ अवैध कब्जा हो गया, बहुत लोगों ने खेत बना लिए, कई एकड़ जमीन है जी, ये समझ लीजिए इसके चारों तरफ। एक करीब मेरे हिसाब से 2 बीघे में ही बना रह गया होगा, बस इतनी रह गया, बाकी सब अवैध तरीके से कब्जा कर लिया गया। ठीक है, तो मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो लोग इसको काफ़ी आगे तक पहुंचाएं, और मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करूंगा इसके लिए कि यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ प्रोग्राम दें, कुछ जन्मदिन के हिसाब से या उनके जो भी एनिवर्सरी के रूप में जो भी मनाते हैं हम लोग, तो उस पर एक हिस्टोरिकल एक बढ़िया सा प्रोग्राम होना चाहिए, जो यहाँ पर एक फेमस एक इसको पुरातत्ववेत्ता के हिसाब से एक बढ़िया इसको मिसाल दे सकें, और यहाँ पर एक अच्छी चीज़ जानकारी भी हो। और मैं चाहूँगा इसके बारे में कि ये आगे से आगे वीडियो इसको भेजें, ताकि ये थोड़ा सा सेफली और सेफ्टी इसको मिल सके गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, मैं अंदर भी दिखाना चाहूँगा आपका अभी थोड़ा सा, और भी इसका अंदर का नज़ारा कि कितना इसमें अभी ध्यान देंगे आप। ये आप मेरे साथ देख रहे होंगे, मैं अंदर का भी दिखाना चाहूँगा आपको कि अभी तक इसमें क्या गवर्नमेंट ने करवाया है और क्या होना चाहिए इसमें, ये देखेंगे आप। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए आप, मैं अंदर से भी दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे कितना क्या हुआ है अभी तक। ये देखिए, अरे अंकल जी, अंकल जी, ये उन्हीं के मकबरे हैं। ये मकबरे जो हैं वो किन किन के लोगों के हैं ये? अच्छा अच्छा, ये देख सकते हैं आप, राजा और रानी यहाँ पे जो हुआ करते थे, तो उनका ये यहाँ पे मकबरे बने हुए हैं दोनों लोगों के। और यहाँ पे जो है थोड़ा मुझे लगता है कि गवर्नमेंट की तरफ से पैसा आना चाहिए और लगना भी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि मुझे संरक्षित नहीं है सही तरीके, पूर्ण तरीके से ये सेफ नहीं है अभी तक। मुझे ये लगता है कि पैसा हो सकता है कागज़ों में आ रहा हो, यहाँ पे सही से ना लग पा रहा हो, तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल ऊपर देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ ऐसा सुधार हुआ है अंदर जो कि कुछ बताने लायक हो यहाँ पर अभी। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत गवर्नमेंट के द्वारा काम हुआ, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये छत जो है शायद मेरे हिसाब से, अगर ये जो खंभे बनाए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा, जो पैसा आया हुआ है, तो इससे ये काफी सेफ्टी से अभी रुक गया है, नहीं तो अभी तक तो ये भी डर जाता जिस तरीके से बाहर ये ढह गया था सारा। तो दीवारें आप इसी की वजह से ये रुका हुआ है, जो खंभे बने हुए हैं, तो अभी इसमें फिलहाल में और भी काम होना है जो गवर्नमेंट के द्वारा कराया जाना होगा आगे। अब क्या कैसा कब होगा इसके बारे में जानकारी अभी नहीं दे पाऊंगा आपको मैं, लेकिन मेरी गुजारिश है ऊपर बैठे पदाधिकारियों से और जो लोग इसको देख रहे हैं, तो वो इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके इस पर जो है गवर्नमेंट से इसके बात तक पहुँचाएँ, ताकि यहाँ पे जो ये नुकसान हो रहा है बिल्डिंग को, ये ना पहुँचे। ठीक है, धन्यवाद।